हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल योर फ्रेंड प्रतिभा। और आज मैं आप सभी के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो है थोड़ा हटके, वो है मेरी बालकनी गार्डन से। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये है मेरे प्लांट कुछ जो अंदर रखी हुई हूँ। ये इंडोर प्लांट है, काफी सुंदर सा प्लांट है। और ये देखिए, मैंने इस तरीके से इस गमले को डेकोरेट किया हुआ है, काफी सुंदर लगता है और अच्छी ग्रोथ भी हो रही है इस प्लांट की। आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा प्लांट है ये, देखिए। और ये देखिए, काफी सुंदर सा प्लांट है ये भी। और ये आर्टिफिशियल फ्लावर है। और मैंने जो आप पॉट देख रहे हैं ये ग्लास का है, इस पर मैंने पेंट किया हुआ है, काफी सुंदर लगता है। और ये देखिए, ये प्लांट काफी सुंदर लगता है और काफी अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। क्रिसमस ट्री, ये है मेरी बालकनी का अंदर से लुक। और मैंने इस कुछ इस तरीके से कटिंग करके लगाया हुआ है। आप भी इस तरीके से अपनी बालकनी में कटिंग करके कुछ लगा सकते हैं, सुंदर लगता है। चलते हैं अपनी बालकनी की तरफ। ये है काफी सुंदर सा प्लांट और इस तरीके से मैंने इसमें पेंट किया हुआ है, देखिए। और घर में एक मेरे ऑयल की केन पड़ी हुई थी, उसको मैंने कट करके इस तरीके से उसको पेंट किया हुआ है, प्लांट लगा दिया है, काफी सुंदर लग रहा है। ये देखिए, काफी ये भी सुंदर सा प्लांट है। और जो घर में बच्चों के बेस्ट ड्रायर होते हैं उनको इस तरीके से हम अपने गमले में रखते हैं, उनको और अच्छे सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं गमलों को। और ये मैंने कुछ इस तरीके से कुछ स्पेस बनाया हुआ था, ये देखिए, इस तरीके से इस करके पेंट किया हुआ है। ये डोर मैंने रखे हुए, हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, काफी सुंदर लगता है। और ये देखिए, बच्चों के जो बेस्ट ड्राइव थे मैं उनको इस तरीके से रखा हुआ है। और जो खाली डीओ की बोतल होती है उनको मैंने पेपर कवर करके उस पर कलर टेप लगाई हुई है। ये देखिए, बोतल कट करके मैंने इस तरीके से पेंट किया हुआ है और प्लांट लगाया हुआ है। देखिए मंकी, ये पैरेट काफी सुंदर लगता है जो मैंने बालकनी में हैंग किया हुआ है। जो भी मैंने अभी तक यूज किए हैं सब बेस मटेरियल ही यूज किया हुआ है अपनी बालकनी में। जो घर में प्लास्टिक की बॉटल, कंटेनर जो भी होते हैं उनको कट करके पेंट करके इस तरीके से हम उनको यूज कर सकते हैं, उनका रिसाइकिल करके। ये देखिए, मैंने बॉटल को कट करके इस तरीके से उस पर फेस बनाया हुआ है, काफी सुंदर लगता है। ये देखिए, ये मेरी बेटी की पेंटिंग पड़ी हुई थी तो मैंने यहाँ पे लगा दी, काफी सुंदर लगती है। ये देखिए, प्लास्टिक का बाउल पड़ा हुआ था, इस तरीके से पेंट करके काफी सुंदर लग रहा है। ये देखिए, इसको भी मैंने बॉटल को कट करके बनाया हुआ है। और ये जो घर में पुरानी बकेट होती है उन पर इस तरीके से पेंट करके हम फ्लावर वो प्लांट लगा के उसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस गमले को इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, प्लांट लगाया हुआ है, इस पर भी मैंने पेंट किया हुआ है। देखिए, ये मेरा काफी पुराना प्लांट है, इसको मैंने अभी कटिंग की हुई है, काफी सुंदर लगता है, काफी सुंदर है। और ये एक बाउल रखा हुआ है मैंने डेकोरेशन के लिए, व्यू अच्छे देने के लिए, काफी सुंदर लग रहा है, आर्टिफिशियल फ्लावर रखे हुए। अब मैं दिखाती हूँ आप सभी को इस कॉर्नर का लुक। ये देखिए, आर्टिफिशियल ये भी मैंने एक पॉट रखा हुआ है लुक अच्छा देने के लिए। और ये एक कंटेनर रखा हुआ था प्लास्टिक का, उसको मैंने कट करके पेंट किया हुआ है, काफी सुंदर लग रहा है। ये देखिए, इस पर मैंने पेंट किया हुआ है कट करके इसको भी। इसे काफी सुंदर लगता है। इससे क्या होता है, चीजें हमारी यूज भी हो जाती हैं, अच्छी भी लगती हैं और पैसे ज्यादा खर्च भी नहीं करने पड़ते हैं। बस पेंट ले आइए और घर पे ही हम अपने सुंदर सुंदर से गमले बना सकते हैं। और कुछ मैंने यहाँ का लुक दिया हुआ है इस कॉर्नर पे, ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पे बैठने के लिए बना सकते हैं, अट्रैक्टिव भी लगता है, सुंदर लगता है,
ये देखिए मैंने ऊपर अपने बच्चे की बेस्ट जो पेंटिंग थी उसकी तो यहाँ पे लगा दी हुई है, काफ़ी सुंदर लग रही है। तो यहाँ हम बैठ सकते हैं या चाय पी सकते हैं, बच्चे खेलते भी हैं यहाँ पे, अच्छा भी लगता है। और हम सभी को प्लांट के साथ, प्लांट से जुड़े रहना चाहिए, इससे क्या होता है पॉजिटिव वेव्स भी आती हैं और अच्छा भी लगता है। तो आई होप आप सभी को मेरी छोटी सी बालकनी गार्डन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, अपनी फ्रेंड को फैमिली को सभी को शेयर करिए। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।